राहुल महाजन की एक्स वाइफ और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट डिम्पी गांगुली तीसरी बार मां बनने वाली है। डिम्पी ने अपने सोशल मीडिया के जरिए अपनी तीसरी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज शेयर की थी। डिम्पी और उनके पति रोहित रॉय पहले से ही एक बेटी और एक बेटे के पेरेंट्स हैं। तीसरी बार मां बनने को लेकर डिम्पी गांगुली को काफी ट्रोल भी किया गया, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनकी फैमिली पहले से ही कंप्लीट थी, ऐसे में तीसरे बच्चे की उन्हें जरूरत नहीं थी। हालांकि डिम्पी को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने मैटरनिटी फेस को काफी एंजॉय कर रही है और अपनी डिलीवरी से पहले उन्होंने एक मैटरनिटी फोटोशूट भी करवाया है जिसमें उनके दोनों बच्चे और पति भी नजर आए। अपनी तीसरी प्रेगनेंसी में अपने मैटरनिटी फोटोशूट को लेकर जब डिम्पी से पूछा गया तो उन्होंने ई टाइम से बातचीत करते हुए बताया है यह कुछ ऐसा है जो वो हमेशा से करना चाहती थी। वो अपनी प्रेगनेंसी को डॉक्यूमेंट करना चाहती थी, लेकिन जब आप पहली बार माँ बनने वाले होते हैं तो बहुत सारी हिचकियाँ होती है, आप बहुत सी बातों से डरते हैं, आप बस एक सुरक्षित और स्वस्थ डिलीवरी चाहते हैं। हमें नहीं पता था कि हमें क्या करना चाहिए था और क्या नहीं। डिम्पी आगे कहती है कि फोटोशूट के लिए काफी लंबी योजना की जरूरत थी। जब मैं पहली बार बेटी रीना के साथ प्रेग्नेंट थी तो हमें फोटोशूट के लिए किसी को हायर नहीं किया था, मेरे पति रोहित ने ही कुछ तस्वीरें ले ली थी, वह कैमरे के साथ बहुत अच्छे हैं, मैं इससे खुश थी। जब मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट थी तो मैं मैटरनिटी फोटोशूट करवाना चाहती थी, लेकिन फिर कोविड हो गया और सब कुछ बंद हो गया। गनीमत है कि मेरी तीसरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरी दोस्त रश्मि दुबई आ गई और उसने मुझसे फोटोशूट के लिए संपर्क किया और मैंने इसे खुशी खुशी हाँ कह दिया। जब आपने अपने दोनों बच्चों के टाइम मैटरनिटी फोटोशूट नहीं करवाया था तो ऐसे में आप डाउट में होते हैं कि तीसरी बार ये करवाना चाहिए या नहीं। हालांकि थैंकफुली मेरी दोस्त दुबई आई, उसने मुझसे पूछा कि मुझे क्या अच्छा लगता है और मैं कैसा फोटोशूट चाहती हूँ। उसी के हिसाब से उन्होंने लुक्स तैयार किए और मेरे लिए ड्रेस लेकर आई। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और मैं रियली बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ कि मैंने अपने लिए कुछ किया, ये फोटोशूट मेरा बिगेस्ट टेक अवे था। जब आप माँ बन रही होती हैं तो आप हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं, उनकी भलाई उनके पालन पोषण पर इतना केंद्रित हो जाती है कि आप खुद को कहीं भूल जाती हैं, खुद से प्यार करना भूल जाती हैं, आप खुद को लाड़ करना भूल जाती हैं। अचानक मेरे लिए फोटोशूट का दिन आया, मेरे पति बच्चे सब वहाँ थे लेकिन ये मेरे बारे में था। इट वॉज अ डे अबाउट सेलिब्रेटिंग माई बॉडी, सेलिब्रेटिंग दिस अदर अराइवल वी आर वेटिंग फॉर। डिम्पी ने बताया कि उनके साथ उनके बच्चों ने भी यह फोटोशूट काफी एंजॉय किया। जब डिम्पी से बोल्ड मैटरनिटी फोटोशूट के बारे में उनकी ओपिनियन पूछी गई तो डिम्पी कहती है कि ये उनकी चॉइस है। मैं भी एक मॉडल एक टेलीविजन पर्सनालिटी थी, लेकिन मैं मैटरनिटी फोटोशूट ऐसा चाहती थी कि जिसमें मेरी फैमिली इन्वॉल्व हो सके। मैंने रश्मि को यह स्पष्ट कर दिया था कि मुझे कुछ ऐसा नहीं चाहिए जो बेहद दिखावटी हो, बल्कि कुछ ऐसा जो मामूली और स्त्रीत्व को दर्शाता हो। तो दोस्तों, डिम्पी गांगुली के मैटरनिटी फोटोशूट के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।